जब देश अंग्रेजों का गुलाम था तब से लेकर 1947 और 1947 से लेकर अब तक, अगर कोई वर्ग सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया गया है, जिस पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है, तो वो मेरे हिसाब से किसान है। और वो सबसे पहला वर्ग है और शायद सबसे आखिरी जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। अब आप कहेंगे नौकरी वाले बड़े मजे कर रहे हैं क्या, वो भी परेशान है, व्यापार, बिजनेसमैन, रियल एस्टेट सभी परेशान है। लेकिन मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर किसान को कंट्रोल कर लिया, अगर खाने को कंट्रोल कर लिया, तो सारे सेक्टर्स, सारे वर्ग और उनमें काम करने वाले लोग अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे, देश अपने आप में कंट्रोल हो जाएगा। इसीलिए अंग्रेजों ने सबसे पहले खेती को खत्म किया था और 1947 में मिली तथाकथित आजादी के बाद भी ऐसा कोई रेवोल्यूशनरी स्टेप, ना ही कोई ऐसा कोई बिल, ना ही कोई अमेंडमेंट संविधान में की गई कि जिससे जो अंग्रेजों पर अत्याचार हो रहा है, जो उनका शोषण हो रहा है, वो कम हो जाए। इसीलिए उसके बाद भी लगातार ये चलता रहा। अब सभी सरकारें जो जितनी भी आई, किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी की वो सरकार रही हो, उन्होंने ये कहा है कि हम किसानों के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन किसानों की आत्महत्या लगातार हो रही है, अब भी हो रही है, आगे भी होगी। इसका एक कड़वा सच ये भी है कि चाहे कोई भी सरकार हो, ना तो वो अपने रिश्ते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खत्म करना चाहती है, ना ही वो वर्ल्ड बैंक और IMF को नाराज करना चाहती है WTO जैसे करार को खत्म करके। और जब तक ये एग्रीमेंट खत्म नहीं होंगे, जब तक वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाओं को देश से बाहर नहीं किया जाएगा, तब तक आप कितने भी झूठे राजनीतिक वादे कर लीजिए, किसान का कुछ नहीं होने वाला। वो अत्याचार उस पर होगा, प्रताड़ना उसकी होगी, वो शोषित होता रहेगा और आत्महत्या करता रहेगा। सच तो यह है कि आज कोई भी किसान अपने बच्चे को किसानी नहीं सिखाना चाहता, वो चाहता है कि उसका बच्चा नौकरी करे। हर साल हजारों किसान जहां एक तरफ आत्महत्या करते हैं, वही लाखों किसान किसानी छोड़ रहे हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी सरकारें कुछ ज्यादा ही सीरियस हैं किसानों को लेकर। अब इसका एक ताजा उदाहरण सामने आया है उत्तर प्रदेश में, जहां एक तरफ PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार ने 2,85,00,000 किसानों को चिन्हित किया था कि उन्हें PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 6,000 रुपए मिलेंगे, मतलब हर 4 महीने में 2,000 की किस्त मिलेगी, ताकि थोड़ा बहुत किसानों को सपोर्ट मिल जाए और उनको एक सम्मान के तौर पर, हम ये कह सकते हैं ये पैसे एक किसान पेंशन ही कह लीजिए, उसके तौर पर मिल जाए। लेकिन अब सरकार ये कह रही है, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, वो ये कह रहे हैं कि हमने 21 लाख ऐसे किसानों को चिन्हित किया है जो एलिजिबल नहीं है इन 6,000 रुपए को पाने के। अब क्यों और उसके साथ क्या करेगी सरकार? आप अगर बड़े बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, तो आप यहां से हजारों करोड़ों रुपए बैंक से लोन लीजिए और फिर आराम से लंदन में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में जाकर बैठ जाइए, पूरी जिंदगी आराम से मजे कीजिए, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, अलग से पब्लिसिटी मिलेगी वो अलग। लेकिन अगर आप किसान हैं और अगर आपने 2,000 रुपए भी सरकार से ले लिए, तो सरकार को पता है कि उसे वापस कैसे लेना है। अगर आपने 50,000 रुपए अपने जमीन पर जो है लोन ले लिया बैंक से, तो सरकार को पता है कि वो वापस कैसे लेना है और बैंक वालों को किस तरीके से आपके घर पर भेजना है, ताकि बाद में किसान तैयार कर ले खुद को कि अब तो उसे आत्महत्या ही करनी है, क्योंकि वो ये पैसे तो भर नहीं सकता, क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी कर दी गई है। अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने 21 लाख किसानों को चिन्हित किया है कि ये 6,000 रुपए लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। क्यों एलिजिबल नहीं है? क्योंकि ये ITR भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, क्योंकि इन सब कारणों के की वजह से ये 6,000 रुपए अब हम इनसे वापस लेंगे, ये सरकार ने घोषणा कर दी है। आज तक आपको एक ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जब किसी भी बिजनेसमैन जो डूब गया है, जिसकी कंपनी डूब गई है, उससे सरकार पैसे वापस ले। हर साल लाखों करोड़ों रुपए बिजनेसमैन के माफ कर दिए जाते हैं, वेव ऑफ कर दिया जाता है उनका लोन। क्यों? ताकि वो आगे व्यापार कर सके। क्यों? क्योंकि
व्यापार ही ऐसा एक वर्ग है जो ये देश को टैक्स देता है, वरना किसान तो एक कंज्यूमर है इनके लिए। और इसीलिए शायद अब ये कह रहे हैं कि जो 6,000 रुपए हमने गलती से किसानों को दे दिए थे, या गलती से 6,000 रुपए के का जो सम्मान दे दिया था, अब हम उसे वापस लेंगे। मुझे लगता है सिर्फ ये एक राजनीतिक स्टंट है कि किसानों के लिए हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। सच तो ये है कि कोई भी सरकार किसानों के लिए नहीं सोच रही। अगर वो WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक के बारे में बात कर रही है, उसके साथ काम कर रही है और इन एग्रीमेंट को और फ्री ट्रेड जैसे एग्रीमेंट को सपोर्ट करती है, ये कड़वा सच है। और अगर ये सब नहीं हुआ, अगर ये एग्रीमेंट नहीं तोड़े गए, तो किसान और किसानी खत्म होना तय है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसान ही खत्म होगा। सच तो यह है कि किसान के बाद नौकरी वाले का नंबर है जो हमें दिख रहा है, उसके बाद व्यापारी का नंबर है जो हमें थोड़े दिनों बाद दिख जाएगा, क्योंकि अब ऑनलाइन कंपनियां तो आ ही गई हैं। आपकी दुकान पर कोई नहीं आने वाला सामान खरीदने के लिए। ये सबका नंबर आएगा, सबसे पहले किसान का नंबर आया है, क्योंकि अगर किसान कंट्रोल हो गया तो पूरा देश कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद आपका भी नंबर आने वाला है, सभी का नंबर आने वाला है। लेकिन ये बहुत शर्मनाक है कि किसानों से जो 6,000 रुपए उन्हें सम्मान निधि के तौर पर दिए गए थे, अब सरकार उन्हें वापस ले रही है। ठीक है, अगर वो किसान एलिजिबल नहीं थे तो हम ये कहते हैं कि आप उन्हें मत दीजिए, आप आगे से उनकी किस्त बंद कर दीजिए। आपने 6,000 रुपए अगर दे भी दिए तो आगे से आप ऐसा कर सकते हैं कि तो उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दीजिए और आगे से उन्हें 6,000 रुपए मिलना बंद हो जाएंगे। आपके 6,000 रुपए वापस लेने से जो सम्मान तथाकथित रूप पर आपने दिया था, उसका क्या होगा? और क्या आप सोचते हैं कि ऐसी जो पॉलिसीज आप बना रहे हैं, क्योंकि किसान की आय ना तो दोगुनी हुई है, ना ही किसान ने आत्महत्या करना बंद किया है, तो आपके इन 6,000 से कोई फर्क पड़ा है? आपने पहले जख्म दिया, उसके बाद उस पर 6,000 रुपए की पट्टी की, अब वो पट्टी उतार कर उस पर नमक भी छिड़क रहे हैं। तो ये कौन से किसान की, कौन सी सम्मान की बात हो रही है और किस सरकार के द्वारा हो रही है, ये एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। धन्यवाद। जय हिंद।